नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मोरल सेवा संघ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हनुमान मंदिर करतार नगर महंत नवल किशोर जी दास जी के सानिध्य में किया गया। मोरल सेवा संघ के संस्थापक डॉक्टर यूके चौधरी, डॉक्टर संगीता चौधरी ने बताया कि आज इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में तकरीबन 700 से 800 लोगों को निःशुल्क जाँच और आँखों के लिए चश्मा, दवाइयाँ वितरण की गईं। गौरतलब है कि यह 6वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर निरंतर अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए लोगों को निःशुल्क जांच और चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं, जिससे गरीब आम जनता को लाभ मिल रहा है। संस्थापक की माने तो यह शिविर पहले अपने हॉस्पिटल यमुना विहार में मोरल हॉस्पिटल के अंदर ही रविवार को निरंतर चला रहे थे, लेकिन जब लोगों की डिमांड जगह जगह से आने लगी तो उन्होंने कॉलोनियों और बस्तियों में भी इस तरह के शिविर का आयोजन करना शुरू कर दिया। आज लगातार लोगों के दिलों में ऐसे शिविरों से आशाएं बनी हुई हैं। आप इधर से आवाज़ मिला रही है? हमारी महंत श्री नवल किशोर दास जी का ही आश्रम है, हनुमान मंदिर है और उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से ये कैंप लगाया गया है। और इस कैंप में हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उनकी दृष्टि कमज़ोर है, जिनको आँखों की कोई प्रॉब्लम है, उनका सबका चेकअप हो रहा है और साथ में उनको फ्री चश्मे दिए जाए। बुजुर्ग लोग, कुछ लोग कई बार पुराने चश्मे से काम चलाते रहते हैं, चश्मा ख़राब हो जाता है तो कई बार लापरवाही कर जाते हैं, तो उससे आँख की जो रोशनी और कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो चश्मा फ्री दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि फ्री ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है कि वो बेहोश होकर गिरे या उनको चक्कर आए तो उन्हें पता लगता है कि उनकी शुगर 400 पहुँच गई, रूटीन में चेक नहीं कराते हैं। और ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही है कि बाद में जब पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट की कोई प्रॉब्लम, तब पता लगता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। वो सब जो व्यवस्था है यहाँ पे फ्री चेकअप की है, और उसके अलावा जो बीमारी है उसके लिए औषधि जो ली जा रही है, दवाई वो मुफ्त ली जा रही है। और चेकअप तो शरीर की हर बीमारी का, साथ में दांतों का और आँखों का भी जो है वो चेकअप किया जाता है। तकरीबन इस कैंप से लगभग कितने लोगों को लाभान्वित हुए? मुझे लग रहा है अभी तक 300-400 लोग आ चुके हैं, तो अभी 1.5-2 घंटा और चलेगा और मुझे 700-800 की संख्या में, ये हमारा बहुत बड़ा कैंप रहा और हमारा 5वां कैंप है मोरल सेवा संघ के, इसमें तो बहुत सक्सेसफुल कैंप है। गुरु जी की आशीर्वाद है क्योंकि हर घर उनसे ऐसे जुड़ा है कि जैसे कि उनके परिवार का सदस्य हो, तो उनकी हमें कृपा हुई। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कैसे इसकी प्रेरणा? एक्चुअली हम ये कैंप हर महीने अपने हॉस्पिटल में 5 साल से चलाते थे। इसकी प्रेरणा मुझे मोदी जी से मिली और जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी का उसके 2 साल बाद सदस्य बना, लेकिन और सक्रिय कार्यकर्ता रहा, तो उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को भी आप अपने अस्पताल में अगर एक दिन देख सकते हैं तो कितनी बड़ी कृपा होगी इस देश पर। तो हमने हर महीने वो जिसे कहते हैं स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य मेंटेन रहे सभी का, उसमें हर महीने एक चेकअप कैंप लगाते थे। और अब हमें लगा कि क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला, अब हमने कहा हर हफ्ते इस कैंप को लगाएंगे। तो ये पिछले 5 हफ्ता से हमने रेस रोज लगाना शुरू किया हर हफ्ते में। किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, जैसे गरीब होता है लेकिन कहाँ पर भी मिलता है, या तो आप अपनी सपोर्टिंग करवा दी है या अपनी सपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आप उनको सपोर्ट करते हैं? लिखा होता है सेवा सेवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए, उसका हम आप नहीं करते हैं।
आज मॉरल सेवा संघ के माध्यम से हमारे पत्रकर्ता नगर में हेल्थ कैंप मेला लगा है। वास्तव में हेल्थ कैंप मेला का प्रयोजन होता है, खेल होता है कि जो सामान्य व्यक्ति विशेषकर से राजधानी में रहने के बाद भी प्राइवेट डॉक्टर करता है, आज जो शिशु कमजोर है अपना या बच्चों का इलाज ही नहीं करा सकता, ऐसे लोगों को समय पर औषधि मिल जाए, चश्मा मिल जाए, दवाई मिल जाए और तंदुरुस्ती दृष्टि से, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख है निर्मल हो काया, दूसरा सुख घर में माया। तो जब काया भी सुखी नहीं होगी तो उसके सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो कुछ काम कर सकता है, तो सेवा कर सकता है, कुछ कर पाएगा। तो डॉक्टर चौधरी और सुनीता चौधरी दोनों मिलकर के, मैंने पहले भी कहा था कि आप देखेंगे किस क्षेत्र में कोई पति समाज सेवा करता होगा तो पत्नी परेशान होगी, पत्नी करती होगी तो पति साथ नहीं देता होगा, पर ऐसा उदाहरण पहली बार दोनों पति पत्नी लगे पूरा परिवार लगा, ये भगवत कृपा है। और कोई बहुत बड़ी कॉलोनी में सेवा करना अभी करना चाहिए, पर वो लोग स्वयं इतने परिपक्व हैं, समझ चाहिए तो कर सकते हैं, जैसे कृपा नगर है, गांधी है, सामान्य लोग जाते हैं वहाँ, इस प्रकार के कैंप की नितान्त आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि डक्सा में हमारा चुनाव उनका अपना ही आसन है, यहाँ लोग बड़ी बहुत प्रतिक्रिया करें डक्सा की, मुझे लगता है करीब 700-800 लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, लोगों को सम्मान किया जा रहा है, शुगर की टेस्ट की जा रही है, दांत ये सब व्यवस्था है, इनका विस्तार से डॉक्टर साहब बनाएंगे। परंतु मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि इनकी सेवा को आप घर तक पहुँचाएंगे, जितने लोग आए सबने हम पर कृपा की है, हमने उन पर कृपा नहीं की, वो नहीं आएंगे तो कैंप लगाने का क्या फ़ायदा। जो लोग सेवा ले रहे हैं वास्तव में धन्यवाद के पात्र दो हैं, बधाई के पात्र दो हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं कोई लेने वाला नहीं हुआ, तो ये जो लोग हैं ये हमारे यहाँ नर सेवा नारायण सेवा के लिए, हमारे यहाँ गरीब में गरीब नहीं उसे नारायण कहा गया है, भगवत कहा गया है, ये सब भगवत स्वरूप लोग हैं, इनकी सेवा करने का सौभाग्य हम सबको डॉक्टर साहब को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ऐसी सेवा डॉक्टर साहब को सभी देता रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आगे भी ऐसे प्रकार की सेवा समाज की करें ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। हनुमान मंदिर है और उनके सानिध्य में उनकी कृपा से ये कैंप लगाया गया है, और इस कैंप में हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, उनको आँखों की कोई प्रॉब्लम है, उनका सबका चेकअप हो रहा है, और साथ में उनको फ्री चश्मे दिए गए। बुजुर्ग लोग, कुछ लोग कई बार पुराने चश्मे से काम चलाते रहते हैं, चश्मा ख़राब हो जाता है तो कई बार लापरवाही कर जाते हैं, तो उससे आँख की जो रोशनी है वो और कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो इसमें वो चश्मा फ्री दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि फ्री ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है कि वो बेहोश होकर गिरे या उनको चक्कर आए तो उन्हें पता लगता है कि उनकी शुगर 400 पहुंच गई, रूटीन में चेक नहीं कराते हैं। और ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही है कि बाद में जब पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट की प्रॉब्लम हो, तब पता लगता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। वो सब जो व्यवस्था यहाँ पे फ्री चेकअप की है, और उसके अलावा जो बीमारी है उसके लिए औषधि जो ली जा रही है दवाई वो मुफ्त है, और चेकअप तो शरीर की हर बीमारी का, साथ में दांतों का और आंखों का भी जो है वो चेकअप किया जाए। तकरीबन इस कैंप से लगभग कितने लोगों को लाभान्वित हुए होंगे? अभी तक 300-400 लोग आ चुके हैं, तो अभी 1.5-2 घंटा और चलेगा, तो ये 700-800 की संख्या में ये हमारा बहुत बड़ा कैंप रहा, और हमारा 5वां कैंप मॉरल सेवा संघ की उसमें तो बहुत सक्सेसफुल कैंप है, और गुरु जी के आशीर्वाद है क्योंकि हर घर उनसे ऐसे जुड़ा है कि जैसे कि उनके परिवार का सदस्य हो, तो उनकी हमें कृपा हुई है। इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई आपको? इसकी प्रेरणा एक्चुअली हम ये कैंप हर महीने अपने हॉस्पिटल में 5 साल से चलाते थे, इसकी प्रेरणा मुझे मोदी जी से मिली, और जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी का उसके 2 साल बाद सदस्य बना, लेकिन और सक्रिय कार्यकर्ता रहा, तो उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को भी आप अपने अस्पताल में अगर एक दिन देख सकते हैं तो कितनी बड़ी कृपा होगी इस देश पर। तो हमने हर महीने वो जिसे कहते हैं स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य मेंटेन रहे सभी का, उसमें हर